बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली और आप देख रहे हैं मिस्टर खतरार ब्लॉग। तो जी व्यूअर्स, आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज हम अपने एक बहुत ही ख़ास गेस्ट से आपको मिलवाएंगे और माशाल्लाह वो उनका भी यूट्यूब पे चैनल है, उनका चैनल है मिस्टर आइडियाज़ 360। तो आज वो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, तो आज हम उनसे भी आपको मिलवाएंगे और उनका जो आज का एक्सपेरिमेंट है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जी व्यूअर्स, अभी जो है अंसर भाई हमारे साथ हैं माशाल्लाह से। तो अस्सलाम वालेकुम अंसर भाई। क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई आप सुना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अंसर भाई, आज जो है आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये अपना कौन सा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? ये उस्मान भाई हम बनाने लगे हैं आज विंड मिल। आपको पता है आज 3 दिन हो गए हैं, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है जी। तो हमने सोचा कि हवा की मदद से बिजली बना के चेक करते हैं और किसी मोबाइल वगैरह चार्जिंग करेंगे, पंखा चलाएँगे, लाइट चलाएँगे जी। तो हवा की स्पीड बहुत स्लो होती है, लेकिन हमने उसको कंट्रोल करने के लिए ये इस्तेमाल किया। ठीक है, ये मतलब बड़ी सी एक गियर सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ताकि जो स्लो हवा है ना उसको हम स्पीड से घुमा सकें गाड़ी को। तो ये एक गर्मियों के लिए जो है ना एक ट्रेंडिंग वीडियो है, और ये माशाल्लाह से आपने बहुत से चैनल एक्सपेरिमेंट के देखे होंगे, लेकिन इस तरह की वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये हमने डेमो तैयार की है जी, मतलब ये एक डीसी मोटर है, तो इसको हम जब चलाएंगे तो ये बिजली पैदा होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो इसको हम चलाएंगे हवा की मदद से, ये पंखा बना रहे हैं हम जी जी। ठीक है, इस पंखे को मज़ीद हम थोड़ा बड़ा करेंगे, तो बड़ा सा मतलब पहले तो छोटा सा डब बनाएंगे, लेकिन आने वाली वीडियो में बहुत जल्द हम एक फिटिंग यूनिट लाएंगे, जो खेतों को लोग पानी लगाते हैं ना जी जी। वो भी हम लगाएंगे हवा की मदद से, बड़ा फिटिंग यूनिट लगा। तो ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए तो फिर उसको भी करते हैं। ठीक हो गया माशाल्लाह। तो जी व्यूअर्स, अभी ये अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ये पहला स्टेप है। तो अभी जो सेकंड स्टेप है वो हो चुका है स्टार्ट। तो अंसर भाई, ये अभी आप रेड कलर का ये क्या लगा रहे हैं इसके साथ? ये असल में स्क्रैप मटेरियल से हमने सारी चीज़ तैयार की है जी। तो हम इसका कलर जो है कम्बिनेशन वो चेंज कर रहे हैं जी, ताकि दिखने में अच्छा लगे। चुका है कंप्लीट। तो अंसर भाई हमें थोड़ा गाइड करते हैं जी। अंसर भाई, उस्मान भाई, ये हमने बना लिया छोटा सा रूटर, ये इसका जिसको कहते हैं गोडा जी, बम्बी बनाई हुई है। ठीक है, ये पंखा है रोटर, ये नीचे बोर के लिए और ये मोटर है इसकी। ठीक है, इसको डायरेक्ट बिजली पे भी चलाया जा सकता है, मेन के सेल पे, बैटरी पे, लेकिन हम एक डिफरेंट तरीके से, एक नए तरीके से बनाएंगे। हम इसको चलाएंगे हवा की पावर से, विंड पावर से बिजली बनाएंगे और उस बिजली से हम फिर चलाएंगे। छोटे छोटे लेवल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इसको कामयाब होने पर हम बड़ा। असल में जो इस वक्त पाकिस्तान में या दीगर मुल्कों में एनर्जी इस्तेमाल होती है वो प्रेफर कर रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी, ग्रीन पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है, ऐसी एनर्जी पैदा हो जिसमें कोई किसी किस्म की आलूदगी ना हो, और ऐसी एनर्जी हो जो दोबारा काबिल इस्तेमाल हो। इसके लिए दो किस्म की एनर्जी है, एक सोलर एनर्जी और एक विंड एनर्जी, दोनों को हम इस्तेमाल करेंगे आने वाले वक्त में। इससे हम बिजली बनाएंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, इसी पे ऊपर हम गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल, बाइक्स, छोटी कार, ये हम इसी पे बनाएंगे। इसी पावर को हम बैटरियों में इस्तेमाल करेंगे, लिथियम बैटरियों में, और उन बैटरियों में हम इनको स्टोर करके आगे इस्तेमाल करेंगे, ताकि पेट्रोलियम जो है वो एक तो महंगा है और दूसरा बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में, माहौल में आलूदगी फैला रही है। तो वो सारा, वैसे भी पेट्रोल एक वक्त आना दुनिया से ख़त्म हो जाना है, पेट्रोलियम इस्तेमाल जाना वो नाकाबिले तजदीद है, ये एक दफ़ा ख़त्म होगी दोबारा नहीं बन सकती। तो हम काबिले तजदीद, ठीक है, रीन्यूएबल जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उन पर काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को उस तरफ लेके जाएंगे आने वाले वक्त में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और माशाल्लाह से आप देखेंगे आने वाले टाइम में इंशाल्लाह अंसर भाई जो है ना एक सक्सेसफुल जो है ना वो एक एक्सपेरिमेंटल बनेंगे और इंशाल्लाह इनका नाम भी रोशन होगा। इसी पे हम इसी पावर को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है, और इसी बिजली को हम इस्तेमाल करेंगे, कामयाब होता है तो हम बड़े लेवल पर करेंगे, फीटर इंजन चलाएंगे, खेतों को खराब करने के लिए भी यही एनर्जी इस्तेमाल करेंगे। हाँ, एक चीज़ है कि हवा की स्पीड इतनी तेज़ नहीं होती, लेकिन गियर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी स्क्रैप से ली है, तो सारा हमने स्क्रैप से इस्तेमाल किया। स्क्रैप से हमने इसका बॉल बैरिंग लिया, और ये देख सकते हैं ये लकड़ी ली है चतुर्थ की, तो इसी से हमने ये
छोटी सी विंड मिल तैयार की है। और व्यूवर्स यहाँ पे आप देखें माशाल्लाह से अंसर भाई ने जो के फाइनली जो अंसर भाई ने हमें प्रोसेस बताया था वो उसी को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये देखे माशाल्लाह से। वेट कर रहे हैं हवा के आने का, तो वैस भाई से पूछते हैं वो कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उस्मान भाई, जब हम आए थे उस वक्त हवा चल रही थी, लेकिन अब जब हमारा प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल हो गया, देख सकते हैं आप ऊपर कैमरा इस पर हमारे, ये देख सकते हैं हमने पूरी तैयारी कर ली है, तारे शारे जोड़ दिए, मोटर भी जोड़ दिए ऊपर हमने, डैनमो जो थी डैनमो का काम देगी हमें। अच्छा अच्छा, तो अभी जो है ना ये 1.5 घंटा हो गया हमें, जो क्या करते हम पागलों की तरह और अंसर भाई वहाँ ढाल होके बैठ गए वहाँ पे जो सूरत हाल है हमारी, आती है हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। अवैस भाई और भी आपको आपको देखने के लिए काफ़ी सारी ऑडियंस भी यहाँ पे आई है। ऑडियंस साहब कहाँ से आए हो? राह साहब ने राह फतेह अली राह साहब बोलो जी, कुछ तो कहें इतने शर्मीले क्यों आप? हमें तो आपकी शर्मसारी पे खुद शर्म आ रही है। यहाँ पे बकर साहब कहाँ जा रहे हैं? बकर भाई अपना फ्रंट पेज पे कैमरे की फ्रंट पे। नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, आपको कैमरे पे आना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं भागना नहीं ला दौड़ा दी भाई जवान ने पड़े होगी। हाँ बोल भाई, चल भाई कुछ बोल, कितने आए थे, कितने आए थे, की करना आया था, की गल है तेन बोलता नहीं गूंगे। हाँ जी सरकार की निज़ाम चला रहे हो थल करिए फिर लैंड ना नहीं दी वाह नहीं आ रही वाह कितने है किधर आज गिरदाना वाह आंदी है इस टाइम आज वाह लेट हो गई क्यों चुके हैं जी। आंसर भाई फाइनली अब हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो कहाँ तक पहुँचा? अभी हमारा एक्सपेरिमेंट माशाल्लाह कामयाब हो चुका है, तकरीबन इसका 3 से काम कम्प्लीट हो चुका है। तो हवा आई थी वो चला था, ठीक है, देखा आपने किस स्पीड से चला वो। अब मसला ये है कि हमने इसके साथ डैलमो जोड़ी है, जनरेटर जोड़ा जिससे बिजली पैदा होनी, करंट पैदा होना, लेकिन अब हवा बंद हो गई है। तो अंसर भाई जो है ना सुबह से ना बुखार था अंसर भाई को, तो माशाल्लाह से इतने मेहनती हैं, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि यार मतलब कि मुझे बुखार है। और यकीन करें आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी, तो अंसर भाई इतनी गर्मी में आपके लिए ये वीडियो बना रहे थे मिस्टर आइडिया 316 के चैनल पर, आप जाएँ माशाल्लाह से बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप देखेंगे तो यकीन करें आप ज़रूर आप इनके चैनल को वॉच भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। आपने देखा जो आज का एक्सपेरिमेंट है वो हो चुका है सक्सेसफुल, तो अंसर भाई की जो मेहनत ही वो रंग ला चुकी है। तो आपने हमें कमेंट में अपनी राय का इजहार ख्याल ज़रूर फरमाना है कि आपको जो आज का हमारा एक्सपेरिमेंट था वो कैसा लगा। तो आपने देखा विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बगैर बिजली के जो है ना बिजली को पैदा किया गया, और पंखा चला आपके सामने, पंखे की वजह से जो नीचे अपना मोटर भी चलाई गई, ठीक है ना, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, तो बगैर बिजली के ये सारा कुछ हुआ। तो ये एक विंड पावर जो है ना, विंड पावर की मदद से ये सारा प्रोसेस था, विंड पावर की मदद से, ठीक है ना, आंसर भाई ने हमारे साथ डिस्कस किया था। तो व्यूअर्स आज की जो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ हमें दें इजाज़त, आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, हमें दो हम याद रखना है, अल्लाह निगेबान।